गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी जो बुक है प्राची की, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, सोल्ड सबसे पहले वो करेंगे। तो हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तक कर लिया था, अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो 17th क्वेश्चन दिया गया है वो है मैच द फॉलोइंग, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। ओके, तो जो हमारा कॉलम फर्स्ट है वो है, उसमें दिया गया है फर्स्ट मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री को आपको मैच करना है किससे, ऑटोट्रोप से। मशरूम है, मशरूम को आप मैच करोगे सेप्रोफाइट से, फोर्थ से। थर्ड है पिचर प्लांट, पिचर प्लांट को आप मैच करोगे इंसेक्टिवोरस प्लांट से। फोर्थ है कस्कटा, कस्कटा को आप मैच करोगे पैरासिटिक से। लास्ट में है एलिफेंट, एलिफेंट को आप करोगे मैच हीटरोट्रोप से। ओके, अब है हमारे पास 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, वोल्फ, लोयन एंड लेपर्ड डू नॉट ईट प्लांट्स। कि जितने भी एनिमल्स दिए गए हैं ये क्या नहीं करते, जितने भी जंगली जानवर दिए गए हैं ये खाते नहीं हैं प्लांट्स को। डज दिस मीन दे दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट्स। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बिना विदाउट प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। कैन यू प्रोवाइड ए सुटेबल एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए हमें अच्छा सा आंसर देना है। आंसर में क्या है, इट इज़ ट्रू दैट दिस डू नॉट ईट प्लांट्स, दे हंट एंड ईट हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक डियर, गोर, बाइसन, जेब्रा, जिराफ एट्सेट्रा विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। इफ देयर आर नो प्लांट्स हर्बीवोरस एनिमल्स विल नॉट सर्वाइव, इन विच केस एनिमल्स लाइक टाइगर, वॉल्फ, लोयन एंड लेपर्ड विल हैव नथिंग टू ईट। ये ठीक है कि जो एनिमल्स हैं वो खाते नहीं हैं किसको, ये एनिमल्स किसको नहीं खाते, प्लांट्स को। ये क्या करते हैं, दे हंट एंड ईट, ये शिकार करते हैं और ईट करते हैं, मतलब खाते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स को, जैसे डियर होगी, गोर, बाइसन, जेब्रा, जिराफ एट्सेट्रा, जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। ठीक है, अगर देर आर नो प्लांट्स, इफ देर आर नो प्लांट्स, अगर यहाँ पे प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हर्बीवोरस एनिमल्स विल नॉट सर्वाइव, तो हर्बीवोर एनिमल है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इन सच केस लाइक, तो ये जानवर है इनको भी नहीं खा पाएंगे। ओके, तो 19th क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, जो यहाँ पे दिए गए हैं आपको फिल करना है कि स्टोरी की तरह लगा के चलो। लेपर्ड सॉरी लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड डैश, हमें पता है क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। डैश विच कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। समझ आ गया, दिस एनर्जी इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अलोंग विद रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंथेसाइज फूड। तो जितने भी यहाँ पे फिल अप दिए गए हैं, फर्स्ट में आएगा क्लोरोफिल, सेकेंड में एनर्जी, थर्ड में एनर्जी, फोर्थ में फोटोसिंथेसिस, फिफ्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, सिक्स्थ में वाटर एंड लास्ट में फूड। ओके, ये था हमारा 19th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 20 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, एक क्रॉसवर्ड दिया गया है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी एक पज़ल है उसमें क्या दिए गए हैं, अलग अलग नेम्स दिए गए हैं, जैसे क्रो, रोज़ ऐसे दिए गए हैं, तो आपको वो क्या करने हैं, सारे ढूंढने हैं इसमें से, ये आप खुद से करोगे। 21 क्वेश्चन है, कैन यू गिव मी ए नेम, यहाँ पे क्या जैसे रीडल्स होती है ना उसकी तरह दिए गए हैं, तो आपको आंसर देने हैं, ये भी आप खुद करोगे। ओके, अगर नहीं आए तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हो। अब आगे दिए गए हैं हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके बुक में क्या है, अनसोल्ड है। ठीक है, एक्सरसाइज के सबसे पहले क्वेश्चन दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये अब जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़,
राइट केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन बतानी है जो कब होती है, फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है तब होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्लोरोफिल गिव ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। आपको क्या करना है, सिर्फ ये लिख सकते हो आप, मैंने जो बोला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो का निशान लगा के ऊपर सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल, फिर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, जितना मैंने बताया था सिर्फ उतना करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होस्ट, होस्ट से आप क्या समझते हो। होस्ट आंसर में है, होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म विच ए पैरास फ्रॉम विच ए पैरासाइट ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिशन। होस्ट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, फ्रॉम विच ए पैरासाइट, जिससे क्या है, एक पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसे बोलते हैं होस्ट। आगे दिया गया थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स की साइट क्या होती है, आंसर लिखोगे आप, फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती है ग्रीन प्लांट्स के पार्ट में, जो प्लांट होती है उसके ग्रीन पार्ट में होती है। लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, लीव्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं कॉल्ड क्लोरोफिल। इट ट्रैप्स द एनर्जी ऑफ द सन, ये क्या करता है, ट्रैप करता है एनर्जी कहाँ, किसकी, सन की। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय नॉन ग्रीन प्लांट्स, किस टाइप का न्यूट्रिशन शो किया जाता है नॉन ग्रीन प्लांट के द्वारा। तो आंसर है, नॉन ग्रीन प्लांट शो हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा, हिटरोट्रॉपिक। क्वेश्चन फिफ्थ इज नेम वन प्लांट ईच शोइंग द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो सेप्रोफाइटिक है उसका आंसर आएगा मशरूम, पैरासिटिक है कसकटा या फिर अमरबेल, इंसेक्टिवोर्स है उसका पिक्चर प्लांट, एंड जो सिम्बायोटिक है उसका आंसर आएगा लाइकन। ओके, ये थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डू लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प टू रिप्लेनिश नाइट्रोजन, कि जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन रिप्लेनिश करने में हेल्प कैसे करते हैं, मतलब भरपाई करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो आंसर इज द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव ए बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। जो रूट नोड्यूल होती है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, उसमें एक बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं राइजोबियम। इट कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स इन द सोल्यूबल फॉर्म। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और क्या करता है, अवेलेबल करवाता है प्लांट्स को किस फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में। क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट डू यू मीन बाय पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हो। सो आंसर इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ सरफेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। तो जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है एक मोड है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, जिसमें क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म लीव करता है, रहता है कहाँ पे, बॉडी सरफेस पे दूसरे की, या फिर इनसाइड भी रह सकता है वो, आउटसाइड भी रह सकता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए रहता है, न्यूट्रिशन के लिए, उसी को बोलते हैं होस्ट। आगे है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स यूज क्यों करते हैं फर्टिलाइजर्स को। आंसर इज प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड मिनरल्स लाइक फॉस्फोरस पोटेशियम एट्सेट्रा टू मेक लीव्स ग्रो स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स कीप द प्लांट्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, द सोइल डज नॉट ऑलवेज हैव सच न्यूट्रिएंट्स, फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स टू प्रोवाइड दीज न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। प्लांट्स क्या करते हैं, कोई ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे नाइट्रोजन हो गया, मिनरल्स हो गए, फॉस्फोरस पोटेशियम, जिसकी वजह से क्या हो जाती हैं, जो लीव्स हैं उनकी
लीव्स ग्रो करेंगी, स्ट्रॉन्ग रूट्स होंगी और वो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी फ्रूट को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ये प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। सोयल क्या नहीं करती, डज नॉट ऑलवेज हैव, सोयल के पास ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसीलिए जो फार्मर्स है यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का। क्वेश्चन फोर्थ इज़, हमें क्या करना है कि व्हाट आर द डिफरेंट एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन सेप्रोट्रोप्स एंड पैरासाइट। सेप्रोट्रोप और पैरासाइट में एक सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंस बताना है, ठीक है। सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या है, बोथ सेप्रोट्रोप एंड पैरासाइट्स अंडरगो हीटरोट्रोपिक मेटाफोरेशन, कि जो सेप्रोफाइट है और पैरासाइट्स हैं उनमें क्या होता है। सबसे पहली बात क्या सिमिलैरिटी है कि हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। उसके बाद डिफरेंस क्या है, पैरासाइट है जो वो फीड करता है ऑर्गेनिज्म पे, बट एक सेप्रोट्रोप फीड करता है डेड डिकेइंग मैटर पे। पैरासाइट क्या करता है, लेता है फूड को ऑर्गेनिज्म्स पे जिस पे वो फीड करता है, उसको होस्ट बोलते हैं। लेकिन सेप्रोट्रोप क्या करता है, सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस को मैटर पे जिस पे वो फीड करता है, और कन्वर्ट कर देता है उसको एक सॉल्यूशन में और उसको फिर एब्जॉर्ब कर देता है। पैरासाइट फिर क्या करता है, इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, एंड सेप्रोट्रोप देयर इज नो होस्ट, इट डिके द डेड मैटर, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैंने जो आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।